हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड ईएसई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम 8085 माइक्रो प्रोसेसर। आप लोगों को जैसा पता है कि 8085 इज अ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, राइट। यहाँ टोटल 16 एड्रेस लाइन्स हैं एंड 8 डेटा लाइन्स हैं। इट इज़ अ 40 पिन आईसी, ओके, और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो वन बाय वन हम लोग एक एक इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इन इंस्ट्रक्शन सेट पर कमांड हो जाए और आप आराम से प्रोग्राम बना सकें। माइक्रो प्रोसेसर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू क्रैक गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा इंस्ट्रक्शन मूव RD, RS। ये जो RD है ना, D फॉर डेस्टिनेशन एंड S फॉर व्हाट, सोर्स। तो हम देखेंगे कैसे 8 बिट डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर होता है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शंस। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे एक से रजिस्टर दूसरे में कॉपी होता है, राइट। सोर्स का डेटा एज इट इज रहेगा और डेस्टिनेशन का डेटा मॉडिफाइड हो जाएगा। तो सोर्स रेजिस्टेंस है और डेस्टिनेशन रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बात इस बारे में भी करेंगे कि अगर हम मेमोरी जैसे मूव M, R या मूव R, M अगर लिखते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, राइट। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, कितने मशीन साइकिल हैं, राइट, और कितनी टी स्टेट्स हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, काफ़ी कुछ हम लोग जानने वाले हैं। ये है टेबल, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, मैसेल संजय राठी, आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 times इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच। आई एम हैविंग 18 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1 lakh स्टूडेंट्स फॉर दीज एग्जाम्स। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप किसी भी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो डाउट्स बहुत आएंगे, क्योंकि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो आपके डाउट्स क्लियर कर सके ऑथेंटिक तरीके से, जो रिलायबल हो, ओके। तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9899400096 पर, राइट। और साथ में ध्यान दीजिएगा, मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी। मेरे साथ साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज यहां हैं। हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट, जो आप लोगों को मोटिवेट करती है कि बड़े सपने देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में टॉप कीजिए, गेट में आप टॉप कीजिए, ओके। आप सपने देखिए तो सही, हमारी टीम आपको टिप्स देंगी, ट्रिक्स देंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस लेंगी, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे, और साथ में होंगे रेगुलर कोर्सेज, ओके। और आपने एक भी कोर्स में अगर सब्सक्राइब किया है तो आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस, जितनी भी फैकल्टीज अवेलेबल हैं वो सभी आपको गाइड करेंगी, आप सभी को एक्सेस कर सकते हैं। जितने पुराने रिकॉर्डेड वीडियो हैं उन सबको भी देख सकते हैं, ओके। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक रेगुलर कोर्स फॉर ESE गेट एंड PSU 2021, 2022 एंड 2023। 1 year प्रोग्राम, 2 year प्रोग्राम, 3 years प्रोग्राम फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, ड्रॉपर्स, 3rd year, 2nd year, जो जहां है वहीं से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब दिल्ली बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब मेरा कोड यूज कीजिए SR10 फॉर 10% डिस्काउंट एंड फॉर माय पर्सनल गाइडेंस। और अगर मेरे साथ आप फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहते हैं तो इन सब वीडियोस को जरूर देखिए ऑन यूट्यूब, आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी सब्जेक्ट्स को रटना नहीं है, सब्जेक्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, ओके। और एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो हर क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा इंस्ट्रक्शन मूव RD, RS, राइट। यहां ये करता है, इट कॉपीज द कंटेंट ऑफ वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। मैं आप लोगों को बता दूं, जो माइक्रो प्रोसेसर में जो उसका इंटरनल अगर हम डायग्राम देखें तो यहां एक्यूमुलेटर है, ये फ्लैग रजिस्टर है, इंटरनली ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एच एंड एल, दिस आर द रजिस्टर्स। फिर आता है स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, ओके। यहाँ ये एक्यूमुलेटर है, फ्लैग रजिस्टर, बी सी डी ई एच
एल एंड व्हाट स्टैक पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर, ये सब 8 बिट के हैं और स्टैक पॉइंटर जो है वो 16 बिट का, प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का। जब हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं मूव ए कॉमा बी, इसका मतलब है बी का डेटा ए में कॉपी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बी में आपका डेटा है 45H, ये हेक्साडेसिमल में है, और ए में डेटा है 33H फॉर एग्जांपल, राइट। आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन मूव ए कॉमा बी, बी का डेटा ए में कॉपी हो जाएगा, तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन ए का डेटा हो जाएगा 45H और बी का डेटा एज इट इज रहेगा 45H, मतलब सोर्स के डेटा में कोई चेंज नहीं होता। ओके, साथ में ध्यान रखिए 5 फ्लैग रजिस्टर्स हैं, राइट। तो जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, राइट, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग एंड साइन फ्लैग, दीज आर द फ्लैग रजिस्टर्स। इनमें से कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन से कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होते, कोई भी फ्लैग मॉडिफाइड नहीं होते। इसका क्या मतलब है, अगर ये पहले से सेट है तो सेट रहेंगे, रीसेट है तो रीसेट रहेंगे। देखिए दो ही तो वैल्यू होती है, जीरो और वन, अगर ये जीरो है तो जीरो रहेगा, वन है तो वन रहेगा, एंड सो ऑन। तो कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होते। ओके, फ्लैग के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हो तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो ऑन फ्लैग रजिस्टर, जहां पर मैंने इन वीडियो इसके बारे में काफी डिटेल्स में बताया है। और ये हुआ इंस्ट्रक्शन मूव ए कॉमा बी। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं मूव ए कॉमा ए भी यूज होता है, मूव ए कॉमा बी भी यूज हो सकता है, मूव बी कॉमा ए। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है ए का डेटा बी में कॉपी होगा और ए का डेटा बाद में एज इट इज रहेगा। अब आप जो लिखते हैं आरडी एंड आरएस, आरडी आरएस, यहां आरडी आरएस ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एच है एंड एल है, और साथ में आरएस ए है, बी है, सी, डी, ई, एच, एल, कोई भी रजिस्टर पेयर हम ले सकते हैं रजिस्टर्स। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। और एक और इंस्ट्रक्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूव एम कॉमा आर एस, आर या मूव आर कॉमा एम। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है आर से डेटा मेमोरी में जाना या फिर मेमोरी का डेटा आर में आना। इस इंस्ट्रक्शन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अब ध्यान रखिएगा, इट इज अ वन बाइट इंस्ट्रक्शन, इट इज अ वन बाइट इंस्ट्रक्शन, ये मेमोरी लोकेशन में एक स्पेस लेता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वन बाइट इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में टोटल 4 टी स्टेट्स लगते हैं, 4 टी स्टेट्स, राइट, एंड दैट्स व्हाई व्हाट इज द टी स्टेट, 4। इट इज अ वन मशीन साइकिल इंस्ट्रक्शन, ये इसकी खास बात है, इस टेबल को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी जानकारी मिली होगी मूव इंस्ट्रक्शन के बारे में। अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो गेट एंड ईएसई आज ही सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, विद माय कोड SR10 यू विल गेट द 10% डिस्काउंट, मिनिमम 1 ईयर के लिए सब्सक्राइब कीजिए तो आपकी फीस हो जाएगी 22,500, या फिर आप 2 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए तो फीस हो जाएगी ओनली 27,000। EMI ऑप्शंस अवेलेबल है ऑल क्रेडिट कार्ड्स पर और HDFC डेबिट कार्ड पर। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए इंस्ट्रक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक, थैंक यू।